मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन वॉच विंडो का है। वॉच विंडो से हम एक विंडो ओपन कर सकते हैं जिससे हम अपनी इंटायर वर्कबुक को वॉच कर सकते हैं। हम अपने जिस पोर्शंस को भी वॉच करना चाहते हैं उसको विंडो में ऐड कर देते हैं और वो हमारे सामने अपीयर रहता है और हम वर्क करते रहते हैं। देखते हैं कैसे। यहाँ मैंने तीन शीट ली हुई हैं। मेरी फर्स्ट शीट पे ईयर्स है, दूसरी शीट पे मैंने जो सैलरी लिखी है और तीसरी शीट पे प्रॉफिट है। अब मैं अपनी फर्स्ट शीट पे आऊंगी और वॉच विंडो पे क्लिक करूंगी। अब अगर मैंने ऑलरेडी कोई विंडो ऐड की होती तो यहाँ शो हो रही होती, लेकिन यहाँ कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब मैं ऐड वॉच पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा और मैंने जिस नाम से अपनी विंडो बनानी है मैं उस पर क्लिक कर दूंगी। मैं इस शीट को ईयर के नाम से सेव करना चाहती हूँ तो मैं इस पर क्लिक करके ऐड करूंगी। तो आप देखें ईयर के नाम से मेरी फर्स्ट शीट यहाँ पे ऐड हो गई। अब मैं अपनी दूसरी शीट पे आती हूँ और ऐड वॉच पे क्लिक करती हूँ। ऐड वॉच पे क्लिक करके अपने इस सेल पे क्लिक करूंगी और ऐड करूंगी तो सैलरी के नाम से मेरी दूसरी शीट भी इसमें ऐड हो गई। उसके बाद मैं थर्ड शीट पे आऊंगी और ऐड वॉच पे क्लिक करूंगी और अपने इस सेल को सिलेक्ट करूंगी और ऐड पे क्लिक करूंगी तो प्रॉफिट के नाम से मेरी तीनों शीट्स ऐड हो गई। अब ये मेरी विंडो यहाँ पे मेरे साथ ही रहेगी चाहे मैं इस किसी भी शीट पे वर्क कर रही हूँ। और अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मूव। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो मैं अपनी इस विंडो को इजीली मूव कर सकती हूँ और ये फौरन से मूव करेगी मेरे कर्सर के साथ। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मैं जैसे जैसे अपने कर्सर को मूव कर रही हूँ ये मेरे साथ मूव हो रही है और मैं अपनी सहूलत के मुताबिक इसे जिस जगह पे चाहूँ वहां पे रख कर अपना वर्क कर सकती हूँ। अगर मैं इसे यहाँ पे रखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे अपने माउस का कर्सर लाते हुए इस पे क्लिक करूंगी तो ये यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन साइज का है। इससे सिलेक्ट करके मैं अपनी इस विंडो के साइज को रिसाइज कर सकती हूँ। मैं इस पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ये कर्सर आ जाता है और मैं इसे जितना चाहूँ बड़ा कर सकती हूँ और जितना चाहूँ छोटा कर सकती हूँ। मैं इसे इसके मुताबिक जगह दे दूंगी और जब मैं क्लिक करूंगी तो ये कर्सर गायब हो जाएगा। मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये क्लोज ऑप्शन है। मैं वर्क करती रहूँ चाहे मैं अपनी किसी भी शीट पे जाऊँ ये विंडो मुझे यहीं पे नजर आती रहेगी, लेकिन मैं अगर इसे नहीं देखना चाहती तो मैं इस क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करूँ या इस क्रॉस पे क्लिक करूँ तो ये क्लोज हो जाएगी। अगर मैं इस क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो ये मेरी विंडो गायब होगी। मैं दोबारा इस ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो ये अपीयर हो जाएगी। अब मैं अपनी थर्ड शीट पे मौजूद हूँ। अगर मैं फर्स्ट शीट पे आना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ से आने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ ईयर पे डबल क्लिक करूंगी तो आप देखें मैं अपनी फर्स्ट शीट पे पहुंच गई। अब अगर यहाँ से मैं सैलरी से रिलेटेड कोई वर्क करना चाहती हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए दूसरी शीट ऐड की है लेकिन उस पर मेरा कोई डाटा मौजूद नहीं है। लेकिन अगर एक्चुअल में मेरे पास सैलरी या प्रॉफिट से रिलेटेड कोई डाटा होता और इस पेज पे काम करते करते मुझे अचानक वहां पे काम करना पड़ता तो बजाय इसके कि मैं यहाँ शीट नंबर से अपनी शीट चेंज करूं, मैं यहाँ से सैलरी के ऑप्शन पर डबल क्लिक करके अपनी सैलरी वाली शीट पे जा सकती हूँ, प्रॉफिट वाले ऑप्शन पर डबल क्लिक करके अपनी प्रॉफिट वाली शीट पे जा सकती हूँ और ईयर पे क्लिक करके मैं अपनी फर्स्ट शीट पे आ सकती हूँ। और अगर मैं इन विंडो को डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट भी कर सकती हूँ। अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके डिलीट वॉच पे क्लिक करूँ तो ये इस यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये डिलीट हो जाएगी। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये डिलीट हो जाएगी। मैं इस विंडो को क्लोज कर देती हूँ। हम वॉच विंडो को ना सिर्फ डिफरेंट शीट के दरमियान नेविगेशन के लिए यूज कर सकते हैं बल्कि अपनी एक शीट में मौजूद डाटा पे नजर रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। मैं अपने इस डाटा को सिलेक्ट करके इसकी कॉपी करती हूँ और इसे नीचे आकर पेस्ट कर देती हूँ। मैं इसकी दोबारा से कॉपी लूंगी
और नीचे आकर दोबारा इसे पेस्ट कर दूंगी। अब देखिए, अब ये मेरा डाटा ज्यादा हो गया है और अब इसमें मुझे मूव करने के लिए नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है। अब मैं इसे स्क्रॉल डाउन करती हूँ और अगर मैं इसको प्लस करना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ फार्मूला लगाऊंगी अपने इस लाइन को प्लस करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इक्वल लगाऊंगी, इक्वल लगाने के बाद मैं सम लिखूंगी और राउंड ब्रैकेट लगाऊंगी और उसके बाद मैं ऊपर जाकर इसे ये रेंज सेलेक्ट करूंगी। मैं ये रेंज सेलेक्ट करने के बाद राउंड ब्रैकेट लगाऊंगी, इंटर प्रेस करूंगी तो ये मेरी तमाम रेंज का सम आ गया। अब मैं अगर इसे विंडो में ऐड करूं, मैं यहां वॉच विंडो पे आती हूं और ऐड वॉच पे क्लिक करूंगी। ऐड वॉच पे क्लिक करके इस सेल को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करके ऐड करूंगी तो अब ये वाला आंसर यहां पे ऐड हो गया। अब मैं स्क्रॉल डाउन करके ऊपर आ जाती हूँ और अपनी विंडो को यहां रख देती हूँ। अब अगर मैं मुझे ड्यूरिंग वर्क अपने डाटा को चेंज करना पड़ता है तो चेंज करने के लिए जैसे मैं इस 100 को चेंज करके 200 कर देती हूँ, 200 करके जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूंगी, अब आप इस आंसर को देख लें और उसके बाद देखिएगा। यहाँ मेरा आंसर है 8543, लेकिन जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूंगी यहाँ 8643 आ गया। यानी कि मेरे इस चेंजिंग से मेरे आंसर पे क्या इफेक्ट आया है मैं उसे यहाँ पे देख सकती हूँ, ना कि मुझे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना पड़े। अब मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखूँ तो आप देखें 8643, यहाँ भी मेरा आंसर ऑटो अपडेट हो चुका है और यहाँ भी। लेकिन मैं अगर स्क्रॉल डाउन करके देखती हूँ तो इससे मेरा टाइम जाया होगा, लेकिन अगर मैं स्क्रॉल डाउन नहीं करती और इसे ऐसे ही देखती हूँ और यहाँ मुझे मेरे साथ साथ रिजल्ट नजर आता रहेगा। इस तरह आप वॉच विंडो में डिफरेंट शीट से रिलेटेड वॉचेस भी कायम कर सकते हैं या एक ही शीट में मौजूद डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड डाटा के मुताबिक फील्ड एड वॉच में ऐड कर सकते हैं और इजीली वॉच कर सकते हैं कि आप जो वर्क कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, या इजीली एक शीट से दूसरी शीट पे नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।